दिनेशपुर क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर दिनेशपुर क्षेत्र में भी दुकानें बंद रही। व्यापार मंडल द्वारा भी इस भारत बंद को समर्थन दिया गया, जिसमें क्षेत्र के हर प्रकार की दुकानें पूरी तरह बंद रही। इस भारत बंद को सफल बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और किसान लगातार बाजार में घूमकर खुली दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस मौके पर किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह ने कहा कि इस भारत बंद में हमें किसान, मजदूर, व्यापारी सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री अमरदीप सिंह ने कहा कि किसान पुत्र होने के नाते जो भी किसान नेताओं द्वारा निर्णय लिया जाएगा, हम उनका पुरजोर समर्थन करेंगे, और कहा कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो जाते तब तक हम किसानों के साथ हैं और आगे साथ रहेंगे। अगर किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती तो भारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पहले तो मैं जय जवान जय किसान कहूंगा और सारी एकता को, जो हमारी एकता है, उसको मैं धन्यवाद दूंगा। उससे आगे जो पूरे क्षेत्र के किसान, मजदूर और व्यापारी हमारे साथ हैं, कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो किसानों से अछूता हो। वहां थे पहले और वो आज नहीं है। आज किसानों की फसलें बिक रही है और हमारी भारत सरकार कहती है कि एमएसपी पे लेते हैं। ये मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो ये कपास का मूल्य है। कपास का समर्थन मूल्य जो है 5720 रुपए रखा गया है और आप इसको देख लीजिए। और ये जो है जाके मंडी में जो है 2500 रुपए बेच रहा है और भारत सरकार कहती है कि एमएसपी पे बेच रहे हैं, एमएसपी पे ले रहे हैं, जबकि 5720 रुपए ये इसकी कपास का मूल्य है और वो 2500 में दिया जा रहा है। और आज जो भारत बंद है, हमने पूरे भारत के संयुक्त मोर्चा किसान के आह्वान पे भारत बंद, दिनेशपुर कहेंगे बंद किया, भारत बंद ही है। हम सभी व्यापारियों और किसानों को धन्यवाद देते हैं, उन्हें थैंक्स कहते हैं। देखिए, कुछ भी होने से पहले हम एक किसान है, किसान के बेटे हैं, तो इस ये होने के नाते, किसान बेटे होने के नाते, पुत्र होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि किसान जो यूनियन है उसके द्वारा जो भी घोषणा की गई है हम उसके साथ रहें। तो इसी के तहत जो भारत बंद का जो घोषणा की गई थी किसान यूनियन द्वारा, तो हम उसके बिल्कुल साथ हैं, पक्षधार हैं, और मैं आम आदमी पार्टी के से होने के नाते हमारी पार्टी का पूर्णतः समर्थन है इस बंद को। देखिए, अगर सरकार अड़िग है कानून वापस ना लेने के लिए, तो हम भी अड़िग हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, तन मन से खड़े हैं हम किसानों के साथ। जब तक ये कानून वापस नहीं होते, हम किसानों के साथ, जो भी आदेश होगा किसानों की तरफ से, हम उनके साथ हैं, उनके बैनर के तले हम चलेंगे, उनके साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो भी किसानों का आदेश होगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठना हो, चाहे भारत दोबारा बंद करना पड़े, चाहे रोड जाम करनी पड़े। किसान, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, जो वो कहेगा हम उसके तले। मैं हरपाल सिंह यहाँ दिनेशपुर रहता हूँ और ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अपील की गई है, पूरा भारत बंद का आह्वान है, तो हम उसमें समर्थन करते हैं और पूरा व्यापारियों भाइयों को धन्यवाद कहते हैं कि आज भारत बंद में उन सारे व्यापारियों ने हमारा सहयोग किया। और आज आप देख लीजिए, आज धान की स्टम फसल की खेती, धान पकने पे आ गया, धान की कटाई है और आज धान का 1960 रुपये का रेट है एमएसपी और मंडियों में 1300 रुपये धान बिक रहा है। एमएसपी कहाँ है? इसका असर आप देख ही रहे हैं, किसानों के साथ क्या किया जा रहा है और सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे तोमर साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एमएसपी पे है, एमएसपी पे। आप तोमर साहब देखे ना,